मेरी क्रिसमस। हेलो पापा, हम लोग बाहर क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ए पापा को हाय बोल दे। अरे बेटा, तेरी बहन को टट्टी आई है। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? अरे दो नंबर दिखा रही थी। कुछ भी पापा। पापा ये देखो, क्रिसमस के लिए रौरकेला का मार्केट कैसे चकाचौंध से भर गया है। अरे वाह, तारे जमीन पर। पापा हमने सारी शॉपिंग खत्म कर दी, अभी हम एक कैफे जाने वाले हैं। ये दिख रहा है आपको इधर? नहीं बेटा, कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ पे है ये कैफे? ये ओल्ड टैक्सी स्टैंड है ना, इसके ठीक ऑपोजिट में तृप्ति पैलेस है, उसके फर्स्ट फ्लोर में मिल जाएगा ये कैफे। ये कैफे हाल ही में लॉन्च हुआ है, मैं अंदर जाके आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है पापा? पापा देखिए, हम अभी कैफे के अंदर आ चुके हैं। ये जो स्टिकी नोट्स आपको देख रहे हैं ना, ये सारे उन लोगों ने दिया है जो यहाँ से एक बार आके खाके जाते हैं। आ बेटा तू भी लिख दे, सोनम गुप्ता बेवफा है। क्या पापा आप भी। और सबसे अच्छी बात पापा यहाँ का क्या पता है, जब तक आपका ऑर्डर आ नहीं जाता, आप कहीं बोर ना हो जाओ ना, तो इन लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी और कुछ प्लेइंग कार्ड्स और लूडो जैसे कुछ खेलने जैसे आइटम भी आपके लिए रखे हैं, ताकि आप बोर ना हो सको। ये आपको आजकल कम ही रेस्टोरेंट और कैफे में देखने को मिलता है ना पापा? अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा बेटा, फुटबॉल खेल सकते हैं क्या? क्या पापा आप भी। बहुत खुश हो रही है, लगता है लड़की जीत गई। पापा ये देखो, हमारा पिज्जा आ गया। अरे लड़की बहुत खुश लग रही है। अरे बेटा ये क्या है, ये रस्सियां क्यों निकल रही है पिज्जे से? अरे पापा ये चीज है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लड़की को पसंद आ गई, अब तुझे एक भी पीस नहीं मिलेगा बेटा। कोई ना पापा, मैंने अपने लिए फ्रूट जूस ऑर्डर किया है, मैं ये पी लूंगा। अरे बेटा ये दीवार पे साइकिल किसने लगा दिया पापा? है पापा, यही तो डिजाइन है। अच्छा, और पापा यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या पता है? आपको अगर इनका खाना पसंद आया और आप वो पिक्स क्लिक करके उनको अगर इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में टैग करके पोस्ट करोगे ना, तो ये लोग आपको इनबॉक्स में आके कूपन कोड देंगे। वो कूपन कोड आप नेक्स्ट टाइम जब लेके आओगे ना यहाँ पे, तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। यस पापा, हम सब मिलके आएंगे, पर हाँ ये ऑफर ना 15 जनवरी 2021 तक ही सीमित है। तो पापा अभी फाइनली हम घर वापस निकल रहे हैं। सीरियसली हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया पापा। इनका डिजाइन है ना अंदर का, वो सबसे हटके था, तो एक अलग सी वाइब आ रही थी मन पे। और इनके जो खाने के रेट्स थे ना पापा, वो एज कम्पेयर टू अदर कैफेस बहुत अफोर्डेबल थे, बहुत अच्छा भी लगा खा के और टेस्टी भी थे। तो पापा ठीक है, अभी हम निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अबे क्या हो गया यार, गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत है यार, फालतू के अभी खर्चे हो जाएंगे। अरे GND है ना? GND? हाँ। वो क्या है? रुक बताता हूँ। अगर हम अपने बाइक के रेगुलर सर्विसिंग कराने के लिए किसी लोकल गैरेज में जाएंगे, तो वो 150-200 के नीचे तो बात ही नहीं करते, और शोरूम वाले तो उससे भी डबल लेते हैं। लेकिन अगर GND एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम अपना सर्विसिंग बुक करते हैं, तो सिर्फ 110 मैकेनिक चार्जेस में आपका सर्विसिंग हो जाएगा, और वो भी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही आपको मिलने वाले हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है, आप इनका सर्विसिंग उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए ही बुक कर सकते हो, तो वहाँ गैरेज में जाने के बाद आपको लंबे लंबे क्यू में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद पहले आपको रजिस्टर करने के लिए पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लॉग इन करके आपको दिखा लेता हूँ। तो ये रहा इसका होम पेज, अभी हमें बुकिंग पे क्लिक करना है।
उसके बाद डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट को आप अपना सर्विसिंग कराना चाहते हो, फिर उसके बाद टाइम सिलेक्ट करना है, फिर अपना नजदीकी गैरेज सिलेक्ट करना है जो आपके घर के करीब हो। मेरे घर के यहाँ पे रवि गैरेज पास है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और इस कमेंट बॉक्स में आपको अपना इशू क्या है लिखना पड़ेगा। मैं फुल सर्विसिंग कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ फुल सर्विसिंग लिख लिया। उसके बाद बुक माई सर्विसिंग क्लिक कर देना है, बस यू आर डन।